प्यारे बच्चों, विगत दिनों मैंने आपके प्रथम पाठ के 3 श्लोक किए थे और अब आगे पढ़ा रहा हूँ। कंचित कालम नय मामस नगराद बहुदूरम। कवि कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए नय ले चलो माँ, मुझको इन नगर से बाहर। ये जो नगर हैं जो अब प्रदूषित हो चुके हैं, इन नगरों के भीड़ भाड़ और शोरगुल से, कोलाहल से मुझे बाहर ले चलो। बिल्कुल ये कृत्रिम कोलाहल जो है, ये जीवन का आनंद नहीं लेने देता, जीने नहीं देता। इससे बाहर ले चलो और प्रपश्यामी, जहाँ मैं देखूँ गांव के अंत में निर्झर झरने नदी और सरोवरों को देखूं, यानी प्राकृतिक संसाधनों वाले इलाके में मुझे ले चलो, जहां मैं पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा सकूं। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में क्षण अभी थोड़ी देर के लिए मेरा घूमना फिरना हो जाए। यानी कवि कृत्रिम जीवन के शहर नगर महानगर वाले कोलाहल से निकलकर वंस अगेन बैक टू नेचर, एक बार फिर से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, जहाँ उसे बिल्कुल प्रदूषण रहित, हरियाली युक्त, सुगंधित वातावरण, स्वच्छ वातावरण वाला माहौल मिल सके। हरित तरुणाम, जो हरे वृक्ष हैं, ललित लता नाम और सुंदर जो लताएं हैं उनकी जो मनोहर सुंदर माला है, और कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियां हैं जो हवा के सहारे चल रही हैं, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी हैं, मेरे मन को भाने वाली होंगी। नवमालिका जो चमेली वगैरह रसालम आम के साथ इसका संगमन हो, मिलन हो, तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। यानी ऐसी स्थिति की कल्पना कवि करता है जहाँ बिल्कुल हरियाली हो, प्रकृति का खिला हुआ साम्राज्य हो, उस स्थान में जा करके वह आनंद लाभ करने की चेष्टा करता है। अइचल बंधो, अरे भाई चलो वहाँ खगकुल कलरव, पक्षियों के खानदान का जो शोरगुल है उनसे गुंजित वन देशम, और कोई वन प्रदेश जहाँ इन सुंदर से कोलाहल जो पक्षियों के खानदान के लोग करते हैं, उस कोलाहल से युक्त सुंदर ध्वनि से युक्त जो वन प्रदेश है वहाँ ले चलो। पूर्व कलरव और इस शहर के कोलाहल से जो संभ्रमित जन भी हो, जो बहुत परेशान लोग हैं, उनके लिए सुख का संदेश धारण करो। चाकचिक के जालम इस चकाचौंध से, ये जो कृत्रिम जाल है, चकाचौंध है, इनसे कुरजात जीवित रस हरण। इनके बारे में कवि कहता है कि ये जो भ्रम जाल है, चाकचिक के जाल जो चकाचौंध है कृत्रिम महानगरीय जीवन का, यह कहीं मनुष्य के वास्तविक जीवन के सुख के रस का हरण ना कर ले, उसको नष्ट ना कर दे। आगे कवि कहता है अंत में कि प्रस्तर तले लता गुत तरु गुलमानो भवंतु पिष्टाः। यानी इस जो पत्थर वाली जो संस्कृति है, यानी आजकल जो चकाचौंध के तहत तो हम कृत्रिम नवीन जीवन के तले नए नए भवनों का अंधाधुंध निर्माण करते जा रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, हरियाली का नाश करते जा रहे हैं, तो इस पत्थर वाली जो ये सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता, ये कहीं लताओं को, वृक्षों को और झाड़ियों को नष्ट ना कर दे और ये पीस ना दे, और ये पाषाणी सभ्यता में कहीं मानव की जो मूलभूत जो ओरिजिनल सभ्यता थी वो कहीं नष्ट ना हो जाए, समा ना जाए। मानव के जीवन के लिए मैं जीवत मरणम, मैं जीवित रहते ही भी मरना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं बिल्कुल सुख के साथ आनंद पूर्वक मरना चाहता हूँ,
अर्थात कवि ये चाहता है कि हम ऐसे जीवन की कल्पना करें जिस जीवन में मनुष्य 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करे और हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त करे, उसके जीवन में कोई क्लेश, कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो, आपाधापी ना हो, व्याकुलता ना हो। इस प्रकार यह आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।